स्कूल एसोसिएशन जो कश्मीर की है, ये हम जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एक दे रहे हैं, जिसमें ये एक मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये एक हिस्टोरिक स्टेप है, जहां पर दो डिसएग्रीइंग पार्टीज जो हैं, जिनका आपस में डिसएग्रीमेंट हो सकता है, वो आके किसी एक पॉइंट पे बात करने के लिए तैयार हैं। तो हमें इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब है क्या इस वक्त। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्पेशली जो हमारा इस वक्त पार साहब के साथ कल बात हुई थी सामून साहब के ऑफिस में, हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है, एक बात पे कंसेंसस हुआ है कि जो इफेक्टेड क्लास है, इफेक्टेड क्लास वो क्लास है जिसका अगस्त 19 से अभी तक जो लॉकडाउन पीरियड है उसमें जिनकी कोई इनकम नहीं थी, वो क्लास इफेक्टेड क्लास है, जिसमें खासतौर पर ट्रांसपोर्टर्स हैं, खासतौर पर जो हमारे हाउस बोट ओनर्स हैं, टूरिज्म है एज होल, और ट्रेडर फैटर्निटी जो है, ये सब क्लासेस जो हैं इफेक्टेड क्लास है, बारिंग सम इलीट सैलरी क्लासेस, बाकी सब ऑलमोस्ट इफेक्टेड क्लासेस हैं, जिनको इंशाल्लाह अप टू 100% कंसेशन मिलेगी स्कूल फीस में। ये बात कल हमारी इनके साथ, बार साहब के साथ कंसेंसस हुआ है, तो उसी को इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दे रहे हैं। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन इफेक्टेड है और कौन नहीं है? सिंपल एप्लीकेशन, एक पेरेंट जो है वो सिंपल एक एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, उस फॉर्म में वो खुद सेल्फ अटेस्टेड एप्लीकेशन होगी, जहाँ पे वो अपना प्रोफेशन लिखेगा और वो एप्लीकेशन में अपनी डिटेल्स देखकर स्कूल को वो एप्लीकेशन देगा, उसको कितना फ़ी वेवर चाहिए, भले ये पेरेंट ही बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने नवंबर तक फीस भरी है, वो बोलेगा मुझे नवंबर से अभी तक चाहिए, राइट? उस एप्लीकेशन की एक कॉपी स्कूल के पास जाएगी और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पेरेंट जो है एक कॉपी पेरेंट एसोसिएशन को व्हाट्सएप कर देगा, सो दैट प्रोसेस थोड़ा सिंपल हो जाए, राइट? तो वो हमारे पास जब डिटेल आएगी, हम अलग से हर स्कूल की डेटाबेस बना के इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करवाएंगे व्हाट्सएप के साथ मिलकर, क्योंकि यह पहली बार हमने नहीं करना। 2016 में भी हम लगभग 34,500 पेरेंट्स को कंसेशन दे चुके हैं, जिनका रिकॉर्ड हमारे पास पड़ा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि जो इफेक्टेड क्लास है उनके पास फीस देने को पैसा नहीं है। हमें उस चीज़ को देखना है। अगर हम बाकी इस वक्त कोटों की बात करें, इस वक्त अगर गवर्नमेंट की बात करें, तो वो काफ़ी पीछे, मतलब वो गवर्नमेंट का अगर वेट करने बैठे तो जब प्यास मुझे अभी लगी है, तो इससे पहले कि मैं मर जाऊं, बेहतर है कोई एक सोल्यूशन इंटरिम मिले जिससे कि इफेक्टिव क्लास बच जाए, जो स्कूल से SMS आ रहे हैं उसका कोई सोल्यूशन हो। तो ये चीज़ जो है हमने डिसाइड की है, ये चीज़ कंसेंसस में है कि इंशाल्लाह इफेक्टिव क्लास को अप टू 100% कंसेशन मिलेगा। प्रोसीजर सिंपल, एक एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वो स्कूल के पास लेके जाएंगे, उस पर स्कूल कंसेशन देगा। और अगर स्कूल को वेरिफिकेशन करनी है, हो सकता है स्कूल को कोई ये है खदशा है कि ये पेरेंट जो है इफेक्टेड नहीं है या कुछ है, तो वो वेरिफिकेशन जो है थ्रू प्रॉपर ट्रेड एसोसिएशन है, जो भी एसोसिएशन है, वो उसको वेट करके वेरीफाई कर सकती है। 2016 में भी ऐसे ही किया था हमने, तो इस बार भी इंशाल्लाह यही चाह रहे हैं कि जो इफेक्टेड क्लास है उनको रिलीफ मिले। अब हमने देखा कि कई दिनों से बहुत सारे लोग इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम उस पॉलिटिक्स को रद्द करने के लिए बिल्कुल आए हैं कि कोई हम पॉलिटिक्स एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जो मुतासर हुआ है, जिसकी आमदनी बिल्कुल ख़त्म हुई है, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे पास एप्लीकेशन आए, हम उस आदमी का डियर एंड देन उस इशू को सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके साथ जो सरकारी मुलाजिम, जो ये फेसबुक पे ट्रॉल्स, जो हमारे पास डाटा है कि 95% या सरकारी मुलाजिम ये जो ट्रॉलिंग करते हैं सोशल मीडिया पर, सवाल है उनको चाइल्ड अलाउंस भी मिलता है, उन्होंने हड़ताल के दौरान कोई ट्रांसपोर्ट भी यूज़ नहीं किया, अगर वह भी फीस नहीं देंगे तो क्या आप चाहते हैं कि हमारे स्कूल बंद हों? एक बात। दूसरी बात, 2015 में यहाँ लोकल स्कूल 2940 थे और 2020 में आज हमारे पास 2710 स्कूल हैं, 250 स्कूल हमारे बंद हो गए इन 2-3 सालों में। इसके बरक्स 2015 में CBSE के सिर्फ यहाँ 7 स्कूल थे और इस वक्त 143 CBSE स्कूल। जहाँ तक श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, यहाँ पे 914 स्कूल टोटल हैं। बात करें हम सरकारी स्कूलों की या गैर सरकारी स्कूलों की, जम्मू में 2414 हैं, 3 times मोर देन श्रीनगर। क्या वजह है कि हमारे इस लोकल सेक्टर को तबाह करने की साजिश की जा रही है? हम इसी वजह से यहाँ आए। हमने बिल्कुल इसमें जितने भी सोसाइटी के लोग हैं, मुझे बताइए पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रेसिडेंट यहाँ कौन है? वो आशिक साहब है। इतने सारे ट्रेडर्स हैं, पापाज ने उनको भी इनसे रिक्वेस्ट की, चौधरी साहब हैं, कश्मीर इकोनॉमिक फोरम, जॉइंट कमेटी, प्राइवेट स्कूल, मुझे पता है इतने सारे पेरेंट जो हैं आबिर पसंद करते हैं। तो उस तालक से हमने हमने इसमें बिल्कुल ये वाजा किया है कि जो लोग बिल्कुल मुतासर हुए हैं, अगर उस स्कूल की फीस 700-800 से अबो है, हम 100% तक फीस वेव ऑफ
उनको करेंगे केस केस बेस पे, क्योंकि हमारे पास डाटा होता है हर एक पेरेंट का, या आपको भी मालूम है प्राइवेट स्कूल जो है वहाँ पे डाटा होता है। एक बार जो जिन स्कूलों की फीस 200-300 है उनमें भी हम पेरेंट्स को 50% तक वेव ऑफ करेंगे। इसके अलावा ना ये पॉसिबल है, आपके सामने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, हाई कोर्ट की रूलिंग, स्टेट्स की रूलिंग है। एक आदमी को मैं चैलेंज देता हूँ, वो कहे कि हमने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को मैटर रेफर किया और हमने देयर एंड देन उसको सॉल्व नहीं किया। 34,500 कंसेशन हमने दिए 2016 में, वो मॉडल हमारे पास है। तो मैंने आशिक साहब से, जिनको आप जानते हैं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सबसे बड़ी जो बॉडी यहाँ है, उनके प्रेसिडेंट है, मैंने उनसे कि कहा कि आप दोनों पर्सपेक्टिव सामने रखिए, पब्लिक का भी रख लिए और स्कूलों का भी रख लीजिए। देखिए, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि आपके 80% स्कूल इकॉनमी स्कूल हैं, जिनकी जो ट्रस्ट्स के अंदर चलते हैं, जो महल कमेटी के अंदर चलते हैं, जो शहर ख़ास में या दूर दराज गाँवों में बिल्कुल 200-300-400 पे काम करते हैं। तो इस ताल्लुक से उन्हीं और वही स्कूल हैं जिसमें गरीब तबका भी पढ़ता है। और 1990 में जब यहाँ जो है हालात इस कदर इतना ब्रेकडाउन हुआ, एसोसिएशन और हमारी जो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के लीडरान हैं एक साथ बैठे हैं। पहले तो हमारा ज़रूरी ये कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक को, और इसमें जब एजुकेशन की बात आती है तो हमें खुद सब लोगों को सामने आने चाहिए कि एजुकेशन बच्चों का हो या एजुकेशन देने के टाइम पे जो हमारे स्कूल चलाते हैं उनको जो प्रॉब्लम फेस आती है वो भी हमें ही देखनी होगी। देखिए, दोनों साइड की प्रॉब्लम, हम बहुत खुश हो गए आज कि जब हमने सुना कि ये आपस में बैठ के आपके सामने मुखातिब हो रहे हैं कि हम जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट होगा, जो डिप्राइव था, अभी बेरोज़गार हो गए कुछ पेरेंट्स, तो उनको स्कूल्स देखेंगे, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी उनको कैसे एक रिबेट मिलेगा, कंसेशन मिलेगा विदाउट मेकिंग इट पब्लिक। तो मेरे ख्याल से बहुत एक खुशाइंदा बात है, मुबारक की बात है, और हम सब लोगों को इसको वेलकम करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसे गेस्चर्स को। इन द मीन टाइम आई एम ऑल्सो अ रेस्पॉन्सिबल पेरेंट, यू आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल पेरेंट। क्या हम चाहेंगे कि हमारे स्कूल डाउनग्रेड हो? किसी भी सूरत हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको आइंदा आने वाले दिनों में कंपटीशन बढ़ रहा है, हमें कोशिश करनी चाहिए कि इनका अपग्रेडेशन हो हर चीज़ में। मैं पेरेंट एसोसिएशन के बड़े नहायत ही अच्छे आदमी हैं, मैं चाहूँगा इनसे भी कि इनके साथ मिल बैठ के आइंदा जो भी गवर्नमेंट के साथ हो मिलजुल के करें, क्योंकि ये एजुकेशन, व्हेन देयर इज़ नो एजुकेशन हमारा तो हालत ख़राब हो जाएगा अगर हमारा एजुकेशन सफ़र होगा। आई विश देम गुड लक। और आपसे भी यही कहूँगा कि जैसे कुछ दोस्त मेरे हैं खफाई रहते हैं, उनको भी समझना चाहिए प्राइवेट स्कूल चलाने के लिए इनको हर एक्सपेंसेस डे टू डे एक्सपेंसेस है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और हाई कोर्ट ने भी इस पर इंटरवीन, मगर फिर भी उन्होंने वो अपने साथ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के साथ बैठे इस पर डिसाइड किया कि जो भी डिज़र्विंग कैंडिडेट्स होंगे, जो भी डिज़र्विंग पेरेंट्स होंगे उसका वो देख लेंगे। तो मेरे ख्याल से कंट्रोवर्सी जो भी कुछ होगा, डिफरेंसेस, इट्स एंड्स हियर।